नमस्ते, मैं रितेश सिंगारे, इंडिया न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम नागपुर जिले के काटोल विधानसभा क्षेत्र के शहर में पहुँचे हैं। यहाँ से जो मतदाता है उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्ते बाबू। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आप? मेरा नाम कार्तिक गिरी है। काटोल जो मतदार संघ है, यहाँ माहौल मतलब इलेक्शन का माहौल गरमाया है। चरण सिंह ठाकुर है मैदान में, राहुल देशमुख भी है, सलील देशमुख है और नया चेहरा है याज्ञवल्क्य की जिचकार। तो किस तरह की यहाँ पे विकास हुआ है या नहीं, या किस तरह की मांग है आपकी? पहली बात तो जो बोल रहे विकास हुआ है, जो विकास हुआ है तो रोड बोलो क्या कुछ नाली बोलो, विकास उसको नहीं बोलते। विकास किसको बोलते हैं? जो एखादी एक शेतकरी, अभी शेतकरी के दाम में तुमको सोयाबीन सुरू 2800 रुपये क्विंटल, यही फडणवीस बोल रहे थे पहले हम 12000 रुपये क्विंटल देंगे करके। 10 साल पहले की बात कर रहा मैं, और 15 लाख के वादे है वो जाने दो। कुछ वो बात करने की यही नहीं है क्या? 15 लाख वो तो कोई दे ही नहीं सकता। वो उसको लोग अच्छे उसकी उसके लिए लोगों ने उनको चुन के नहीं दिया, क्योंकि सरकार चेंज करने दे करके लोगों ने चुन के दिया उनको। तो अभी क्या है, परिवर्तन की मांग है या? परिवर्तन तो दोनों के तरफ, काटोल में जो विधानसभा है उसमें परिवर्तन दोनों को भी तरफ नहीं है। अभी एक कल की बात है, एक जो बीजेपी का कुणाल ढबाले करके वड़ा उम्र का, उसने डायरेक्ट वो अपना क्या बोलते केजरीवाल करके वो एक आदमी, मतलब केजरीवाल ने क्या आप आंदी पार्टी का जो एक आदमी, हाँ, तो उसको है ना धमकी दे रहा था गांव में। उसका ग्रुप में चल भी रहा, घर गाली दे रहा था क्या, हम बीजेपी वाले चुन के लाएंगे देखो, देख लूँगा नहीं देख लूँगा। अभी से जो रंगदेरी शुरू हुई है, वे चुन के आने के बाद तो मर्डर करने लग जाएंगे किसी का भी। तो इस बार किसको चुना जाएगा काटोल शहर? इस बार चुनने की बात ही मत करो, चुन के आने वाले राहुल देशमुख चुन के आने वाले यहाँ पे। पक्का? पक्का, 100% पक्का, और सबसे ज़्यादा लीड में वही रहने वाले काटोल से। लेकिन बीजेपी ने जो लाड़की बहन योजना जो लाई है उससे कुछ असर पड़ेगा यहाँ पे? क्या असर पड़ने वाला है तुम बताओ ना। तेल के दाम कितने हैं, शेतकरी का अभी बताया आपको मैंने, कपास के दाम कितने हैं, 5000 रुपये कपास है, रेट बोलो ना तुम, क्या महंगाई कहाँ है? उनके ये शेतकरी के जो पैसे खा रहे हैं उसमें तो उनको दे रहे हैं, उनके उसके क्या लाड़की बहने के पैसे, मतलब उनके घर का उनको दे रहे हैं ना। तेल के दाम देखो, शक्कर देखो, सब महंगा है। पिछले 5 साल में विकास नहीं हुआ है यहाँ पे? नहीं विकास नहीं हुआ ना, कहाँ विकास हुआ तुम बताओ ना मेरे को। तुम देख रहे ना यहाँ पे रोड से जाके, क्या सीमेंट रोड बनाया गया, विकास हो गया है क्या? विकास आदमी का विकास होना चाहिए। यानी और बहुत भारी मत से राहुल वो चुन के आ रहे, उसका कोई कुछ भी यहाँ पे किसी को भी पूछ लो, लगे तो तुम भैया को पूछो, ओ भैया को पूछो, ओ काका को पूछो, किसको भी पूछो तुम, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बोलेंगे कि राहुल वो चुन के नहीं आ रहे करके। इनको सबको बहू के काम मालूम है, किसी की लड़की हुई अन्याय हुआ है तो भाव ही आते, किसी के घर का कुछ प्रॉब्लम रहा तो भाव ही आते। यहाँ पे टपरी वाले खड़े हुए पूरे, उनको पूछ लो लगे तो, सबसे पहले इनको हटाने वाला कोई आता है अतिक्रमण के लिए आता तो राहुल भाई आते करके, सबको पूछ लो लगे तो। तुम तो युवाओं की मांग है कि राहुल भाऊ यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, और राहुल भाऊ यहीं पे चर्चा में है, जो राहुल देशमुख है ट्रम्पेट लेके उनकी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से चुनके आने की संभावना जताई जा रही है। रितेश सिंगारे, इंडिया न्यूज़ 21 की तरफ से काटोल।